बक्सर किला मुगले दौर हुकूमत में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना। किला बक्सर वादी समाहिनी में मौजूद है, जो कि ज़िले भंबर से तकरीबन 30 किलोमीटर शुमाल मशरक में तहसील समाहिनी के पहाड़ों की चोटी पर सतह समंदर से 965 मीटर ऊंचाई पर वाक़िया है। मुकामी अफराद के मुताबिक ये किला मुगलिया दौर से ताल्लुक़ रखता है, तहम इसके दर दीवार मौजूद हिंदू देवताओं के नकुश बताते हैं ये ज़रूर कोई मंदिर होगा, जिसको मुगलिया दौर में सल्तनत की आखिरी हदूद की हिफाजत के पेश नज़र किले में तब्दील कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत वादी समाहिनी, जो खूबसूरती की अपनी मिसाल आप है, ये वादी मुगलिया दौर से ही कश्मीर और पंजाब को मिलाने के लिए मुख्तसर तरीन गुजरगाह के तौर पर मुस्तमिल रही है। बक्सर किले के दो अहाते हैं, बैरूनी अहाता कदर है कदरे बेहाल है और सियाहों को सिर्फ बैरूनी आते तक जाने की इजाज़त है। ताहम लाइन ओवर कंट्रोल पर तवील अरसे तक हालात सारजार तो अंदरूनी आते तक रसाई मैसर हो सकती है। अंदरूनी आते में 126 फीट गहरा तालाब, आम का बाग और एक हिंदू मंदिर है। मुगलिया दौर में बादशाह जहांगीर, जो नवंबर 1627 को वादी कश्मीर में फौत हुआ और उसकी तदफीन के लिए इसे इसी रास्ते से लाहौर ले जाया गया। ताहम फासला ज़्यादा होने की वजह से बादशाह जहांगीर के कुछ अंदरूनी अज़ा यहीं दफन किए गए। किले के मगरब में इसी दौर के बक्सर झील, जिसकी मुशाबत पाकिस्तानी के नक्शे से मिलती है, जिसमें कंवल के तैरते हुए फूल इसकी खूबसूरती को दुबाला करते हैं। किले से कोई 2 किलोमीटर दूर मुगलिया दौर ही के तमीर शुदा सराय सादाबाद हैं, जो इस दौर में कश्मीर और पंजाब के दरमियान सफ़र करने वालों के मुख्तसर क्याम की अर्ज से तमील की गई।